અંજાર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા અંજાર ખાતે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બજરંગ દળના અખિલ ભારતીય સંયોજક નીરજજી દોનેરિયા વર્તમાન સમયમાં હિન્દુ યુવાનોએ બળવાન શૌર્યવાન બનવા પર ભાર મૂક્યો હતો. એમણે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જેમ વર્તમાન સમયમાં હિન્દુ સંસ્કૃતિ ઉપર થતા પ્રહારોનો સામનો કરવા ગામે ગામ બજરંગ દળ દ્વારા સાપ્તાહિક મિલન જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી યુવાનોમાં હિન્દુત્વ રાષ્ટ્ર ભાવના જાગૃત કરી દેશમાં થતી લવ જિહાદ ગૌ હત્યા જેવી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર લગામ લગાવી અને મા ભારતીની રક્ષણ માટે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે બજરંગ દળનો યુવા બળવાન યોદ્ધા બનીને આ રાષ્ટ્રની કાજે આગળ આવે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના મહેશભાઈ ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં જે અત્યારે જાગૃતિ આવી રહી છે એ જાગૃતિ આ રાષ્ટ્રના વિકાસ અને ધર્મની શક્તિ વધારવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહી છે. નીરજ દોનેરિયા, બજરંગદળ રાષ્ટ્રીય સંયોજક. अभी संपूर्ण देश के अंदर भारत के 9000 प्रखंडों में बजरंग दल के द्वारा 100 यात्राओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए. उन्हीं में से आज का ये प्रवास मेरा था. मैं अंजार कच्छ के क्षेत्र में दोस्तों आज की संपूर्ण देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियों में ध्यान में आ रहा है इस्लामिक जिहादी गतिविधियाँ, इस्लामिक जिहादी षडयंत्र बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहे हैं. अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सर तन से जुदा गैंग उदयपुर में इस बार कन्हैयालाल की हत्या की. बहुत सारे जो ग्लोब्स हैं मुख्तलिफ डिजाइन और कलर में. उसके बाद अभी कुछ ही समय पहले मिल जाएंगे फ्री में. जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें 7 हिंदुओं की हत्या हुई. और फ्री में आसाम में शंभू कोरी की हत्या 17 साल के इस्लामिक जिहादी ने घात लगाकर किया. सारे इफेक्ट भी आपको हमारे चैनल से. एक समूह बना करके नेटवर्क बना करके हिंदू को भयभीत करने के उद्देश्य से, हतोत्साहित करने के उद्देश्य से आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर. और 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाए ऐसे मंसूबों को लेकर षडयंत्र किए जा रहे हैं. बजरंग दल ने समूचे देश में तय किया है कि समूचे देश में 100 यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज का जनजागरण करेगा. और वर्तमान परिस्थितियों में जो घात किया जा रहा है, वर्तमान से जो षडयंत्र किए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ कराई जा रही है, रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, नशे की तस्करी की खेपें स्मगलिंग की जा रही हैं, इन सब के बारे में सचेत करेगा ताकि हिंदू नौजवान सामूहिक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सामूहिक होकर इसका प्रतिकार करें. इसी का लक्ष्य लेकर के संपूर्ण देशभर में काम कर रहे हैं. दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 3D इसी तरह से ये कच्छ के क्षेत्र में लेकर आए हैं. ध्यान में आता है धर्मांतरण की घटना है ईसाई मिशनरियों द्वारा गांधीधाम मुंद्रा अंजार ध्यान में आ रही है. ग्रीन स्क्रीन के सनातन दड़ों से काट कर उनको फुल धर्मांतरित करने का प्रयत्न चल रहा है. इसके अलावा भी ऐसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से लज्जात का शब्द किया जा रहा है. हिंदू लड़कियों को लज्जात में फंसा कर अपनी आबादी बढ़ाने की दृष्टि से ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिसकी बहुतायत संख्या में अंजार मुंद्रा और गांधीधाम में ध्यान में आता है. इन सब षड्यंत्रों को विफल करना है, इसलिए 100 यात्राओं के माध्यम से बजरंग के काम के माध्यम से इस काम पर लगे. उसी के निमित्त ये गुजरात का मेरा प्रवास था. बजरंग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनकी टोली बैठकें करेंगे, संगठन की बैठकें करेंगे, 100 यात्राओं का कार्यक्रम करेंगे और उनके माध्यम से उनकी जनजागरण के काम करेंगे. क्योंकि कच्छ क्षेत्र से ध्यान में आता है कि वहाँ पर हिंदू कैसे वहाँ से पलायन करे, यह षड्यंत्र है वहाँ. आज बड़े पैमाने पर ध्यान में आता है कि कच्छ क्षेत्र में जो हिंदू रहता है उनके बीच में उन्होंने वहाँ से पलायन किया है. बजरंग दल ने जब जब पलायन कहीं हुआ है, ऐसी चुनौती सामने आई है, तो पराक्रम का मार्ग दिया है. पलायन नहीं, पराक्रम हिंदू करेगा. जम्मू कश्मीर में पुंछ क्षेत्र में यह पलायन होता था तो 100 यात्रा वहाँ पर हमने धार्मिक यात्रा निकाल के 15 साल और वहाँ हिंदू को हमने पलायन से रोका और सफलता प्राप्त के लिए 3D फुल जहाँ चुनौती है वहाँ बजरंग दल है. ऐसे ही कच्छ क्षेत्र में हिंदू पलायन न करे, उनके साथ बजरंग दल खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा.
इस संकट का विस्तार करेंगे। ऐसी जो शक्तियां हैं जो देश तोड़ना चाहती हैं, जो देश में आर्थिक गतिविधि चलाना चाहती हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए सामूहिक होकर के प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए ये वर्तमान समय में प्रवास है। दूसरा, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में संपूर्ण देश के अंदर गुजरात में भी अपना स्वराज प्रांत कहलाता संगम दृष्टि से तो धर्म रक्षा निधि के कार्यक्रम चलेंगे। उसके अलावा धर्म रक्षा निधि के माध्यम से संगठन के कार्य का विस्तार, धर्म संघ जो धर्म की रक्षा के कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए समाज के बीच में जाकर के संग्रह करके, आर्थिक संग्रह करके और संगठन की शक्ति, संगठन को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास, जिसके माध्यम से संपूर्ण साल भर बैंदल का काम, विशुद्ध उपसद का काम, सेवा के कार्य, जिस प्रकल्प में बैठे हैं ऐसे सेवा के कार्य, ऐसे सेवा के कार्य निरंतर चलते रहें और आर्थिक पक्ष के कारण, उसकी आर्थिक कमी के कारण ये कार्य रुके नहीं, तो देव भक्ति से देशभक्ति का जो कार्य में हम लगे हुए हैं वो निरंतर चलता रहे। इसलिए धर्म रक्षा निधि का समय इस महापूर्व में अभियान लेके काम किया जाएगा, उसकी योजना रचना बनाने के उद्देश्य आज का मेरा प्रवास। सर, अभी जो लव जिहाद के किस्से सामने आ रहे, अभी एक घटना बनी आदिपुर में, लेकिन जो पीछे काम होना चाहिए, पीछे जो उसके बाद क्या कहोगे आप, पीछे को इतना ध्यान नहीं देखता है। लव जिहाद एक पूरा लव जिहाद इस वीडियो में आप लोग 16 साल की लड़की थी डी फुल एचडी और विदर में लड़का था, वर्ल्ड ग्लोब लेकर आए हैं, उसके बाद देख रहे हैं प्रश्न रिलीज हुई फुल एचडी में जो होना चाहिए लब्जे हाथ में, तो एक भी हिंदू बहन लब्जे हाथ का शिकार नहीं होने देनी चाहिए। या पूरी युक्ति के साथ में और शक्ति के साथ में सामर्थ्य को वापस लाने का काम करना चाहिए। अगर वह मान ली किसी प्रकार से उसमें कोई ताबीज के माध्यम से, कोई किसी सम्मोहन के माध्यम से उस पर कुछ किया गया हो, तो वह कोर्ट में ले जाके जो ऊपर, तो कोर्ट में जाकर भी वकील खड़े करके वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। पठान फिल्म का संबंध हिंदू संगठनों का विरोध इस बात को लेकर है कि उसमें भगवा बेसम रंग का जो विषय था, आखिर भगवा बेसम कैसे हो सकता है, बेसम रंग कैसे हो सकता है, फिर एक अभिनेत्री को अश्लील कम कपड़े पहना के अश्लील ताकि पूर्ण उसको दर्शाया गया, तो यह हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवा तो हमारे त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। साथ देश में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई तो वह तिरंगे के साथ नहीं, भगवा के साथ लड़ी गई थी। देश में शिवाजी की लड़ाई भी भगवा से लड़ी गई थी। देश में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, संघर्ष किए गए, वो भगवे को लेकर के की गई। भगवा हमारे यहाँ श्रद्धा का विषय है, ना कि हमारे यहाँ अपमान का विषय है। इसलिए भगवा का अपमान करेगा तो पठान जैसी कोई भी पिक्चर नहीं चलने दी जाएगी, पठान ही क्यों हो। लेकिन अगर अभी वर्तमान में मालूम पड़ा कि उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है कि उसको हटाएंगे, अगर वह दृश्य हटाए हैं, सेंसर बोर्ड पारित करता है दृश्य हटाए हैं, हिंदू संगठन उसको देखें, अगर उनको लगता है आपत्ति है तो आपत्ति है, हम हिंदू समाज के साथ हैं, अगर हिंदू समाज को आपत्ति है तो हमको आपत्ति है, अगर हिंदू समाज को आपत्ति नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू समाज का अपमान करेगा, भगवा रंग का अपमान करेगा, तो किसी भी कीमत को स्वीकार नहीं। नीरज जी, मेरे घर के पास पहले एक मस्जिद थी, मेरे को रंजू बताई वो कोई सामने नहीं आना चाहता है। अभी तीन मस्जिद है, अलग अलग टाइमिंग पे वो सुबह 6 बजे चालू होते, पूरे दिन में 5 बार उनका चालू रहता है। वो मेरे पास ऐसी रंजू बताई कि कोई बोलने वाला नहीं है, लड़कों छोटे छोटे लड़कों उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये जो 5 टाइम लाउड स्पीकर के चला करके अगर अजान दी जाती है तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर केवल स्वतंत्रता उनको नहीं, सबको है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबके पास है। इसलिए अगर वो चलाते हैं तो मंदिर की भी हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे आवाज में चला देना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो आईटीआई केस में कोर्ट केस में ले जा करके उस पर एप्लीकेशन लगा करके बंद करानी चाहिए, बंद नहीं होती तो कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि संविधान में धारा कहती है उच्च आवाज में ये अजान नहीं लगाई जा सकती। लेकिन सर को आगे आने को तैयार नहीं, तो बजरंगदल या विश्व हिंदू परिषद कोई आगे आएगा इस विषय में? बजरंगदल को आगे आना चाहिए, तो विषय है ही नहीं कि बजरंगदल आगे ना है। बजरंगदल ऐसे मामले में सबसे आगे देश भर में काम करता है, और अगर यह विषय है जहाँ पर है तो बजरंगदल को आगे आने की आवश्यकता हुई, आगे आएगा वो। जी ऐसे ट्यूब में खुश आमदी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग फुल एच डी वर्ल्ड लेकर आए हैं, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फुल एच डी वीडियो है, और इसके साथ साथ फ्री वीडियो है, ग्रीन स्क्रीन संपूर्ण देश में। मैं अभी 4 दिन पहले पंजाब के बॉर्डर पर था, तो उससे पहले मैं राजस्थान के बॉर्डर पर था, और आज मैं आपके सामने कच्छ में बैठा हूँ। मेरा बॉर्डर प्रवास हुआ है सप्ताह में, तो इसके अलावा तो ध्यान में आया है कि इन काम में अधिकतर लोग वो हैं जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
वो इस नशे के कारोबार में लगे तो अर्थात ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र इस प्रकार का है कि हिंदू नौजवान कैसे खोखला हो, कैसे कमजोर हो, कैसे वो इसका डेग्रेड एडिक्ट बने, ताकि वो पराक्रम भी न रह पाए। और अगर ऐसी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, अराष्ट्रीय षड्यंत्र कहलाते हैं, अराष्ट्रीय गतिविधि कहलाती है, इसलिए प्रशासन को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई भी करानी चाहिए और इसके शिकार न बने, इसके लिए जन जागरण चला करके हिंदू नौजवान शिकार न हो, इनको प्रबोधन करना चाहिए। और क्या है, हिंदू में अभी क्या है, संगठन इतना बता ज़्यादा नहीं है, संगठन ज़्यादा करने के लिए अभी कौन सा मूलों में काम करना चाहिए? बजरंग दल ने तो सर्वस्पर्शी काम करने के लिए, सर्वव्यापक काम करने के लिए, बजरंग दल समाज की निचले से नीचे इकाई में जाकर के काम कर रहा है, इसीलिए वो साप्ताहिक मिलन केंद्र बलुपाटना केंद्र के माध्यम से काम कर रहा है। आज बजरंग दल के हजारों की संख्या में मिलन केंद्र चलते हैं, बलुपाटना केंद्र चलते हैं, खेलों के माध्यम से करता है, कबड्डी के माध्यम से, वॉलीबॉल के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से, इन सब माध्यमों से युवाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है, सामने लाने का काम कर रहा है। आज बजरंग दल ने इस पर अपने कार्य को आगे बढ़ा करके देश में ऐसे सामने जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, या तभी दे पा रहा है कि उसका कार निचली गाय तक चल रहा है। इसके काम का और विस्तार करने के लिए ही प्रवास किया गया।